हम बताना चाहते हैं कि अगर कोई आपके घर में कोई सदस्य, ये लड़का हो या लड़की हो या बहू हो चाहे बूढ़े हो चाहे कोई सदस्य हो, किसी कारणवश अपने जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं और आपके ही घर में जब आप सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि एक कमरे के भीतर वो आपका एक सदस्य किसी तरीके से उसने अपना कर पंखा का प्रयोग कर या केमिकल खाकर, पॉइजन खाकर या अन्य किसी उपकरण के माध्यम से कोई घटना कर देता है और ये रूम में अगर वो मृत पाया जाता है तो वैसी परिस्थितियों में कोई भी घर का सदस्य बिल्कुल उस कमरे को कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और कमरे को बिल्कुल सुरक्षित छोड़ देंगे पुलिस के आने तक का। यह दो बातों का ख्याल रखना है कि किसी तरह का कोई अगर कोई सदस्य अगर पंखे का सहारा लेकर अगर लटका हो तो इस परिस्थिति में आपको या किसी उस घर के सदस्य को उस डेड बॉडी को टच नहीं करना है, बिल्कुल घटनास्थल समझ करके आप पुलिस के आने का प्रतीक्षा करना है। नंबर वन कि सबसे पहले घर के सदस्य को जिसको होश हवास में हो घबराए नहीं, सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन को सूचना देना है ताकि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपके घर पर पहुंच सके, पहली बात। दूसरी बात कि कम से कम आपके घर के अगल बगल जो प्रतिनिधि जो चुने हुए जैसे कोई वार्ड हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो या संभव जो भी हो, एक प्रतिनिधि को इमीडिएट बुलाएंगे और दो गवाहों को अपने घर के सामने तैयार रखेंगे। पुलिस वाले जब आएंगे उस कमरे को अपनी पुलिसिंग लॉ के तहत या अपनी FSL की टीम लाकर या जो भी जो उनके दायरे में है लॉ के तहत जो भी कार्रवाई करेंगे आप उसका सहयोग करेंगे और उसमें बिल्कुल पुलिस का सहयोग करके उसके बाद इस प्रक्रिया में पुलिस वाले आते हैं और वहाँ पर उसका जो डेड बॉडी जो होता है उसका वहाँ पर इंक्वेस्ट तैयार किया जाता है। इंक्वेस्ट तैयार करके वहाँ दो लोगों का उसमें राय ली जाती है और इंक्वेस्ट करके सीधा उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। यहाँ भी आपको ख्याल यहाँ रखना है कि सबसे पहले बता दें कि इस तरह केसेज में जहाँ मृत्यु अस्वाभाविक हो, अस्वाभाविक माने अननेचुरल डेथ हो, इसका एक अलग से एक FIR दर्ज होता है, उसको बोलते हैं UDFIR। UDFIR जो थाने में एक वो भी रजिस्टर्ड होता है, जिस तरह से थाने में FIR होता है वो FIR सीधा जो CGM कोर्ट को जाता है, लेकिन UD जो FIR होगा वो कोर्ट में न जा कर के वो वहाँ के SDO कोर्ट में उसकी मूल प्रति जाती है और एक एक प्रति इंस्पेक्टर को जाती है जो ऐसे केसेस में UD केसेस में 24 घंटा के भीतर डिसाइड कर देना है कि ये जो मौत है अननेचुरल डेथ है इस किस स्टेज में इसको माना जाएगा। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी तरह से कोई डाउटफुल अगर बॉडी पर अगर कोई चोट का निशान हो तो वही UD केस है, वो टर्न कर जाएगा आपको हत्याकांड में, वो FIR में टर्न हो जाएगा। यानी कि स्पष्ट जनहित में जो ये वीडियो बनाने का हमारा एक लक्ष्य है, लोगों को बताना है कि कोई भी इस परिस्थिति में न तो कोई घर से भागेगा, न तो कोई किसी तरह हल्ला करेगा, न तो कोई घटनास्थल का कोई छेड़छाड़ करेगा, वो केवल इंतजार करेगा पुलिस का आने का। पुलिस अपने आगे के लीगल वे में कार्रवाई करेगी
और इसके साथ साथ वहाँ पर पुलिस वाले वहाँ एक यूडी केस दर्ज करेंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने तक की प्रक्रिया के बाद या FIR में टर्न होगा या यूडी केस में 24 घंटा के भीतर फाइनल फॉर्म करता है। हमारे वीडियो के ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी जो अननेचुरल डेथ होता है, यूडी केस होता है, इसमें जो भी दोषी हो वो स्वयं दोषी होता है जो अपने जीवन लीला को समाप्त करता है। अगर जीवन लीला समाप्त करते समय अगर घटनास्थल पर किसी तरह का कोई लेटर पाया जाता है या अपना धार छोड़ के जाता है तो उस पर पुलिस वाले उसके ऊपर सब्सटेंशियल एविडेंस के रिव्यू होगा। अगर रिव्यू के आधार पर ऐसा प्राइमा फेसी में पाया जाता है कि नहीं, किसी के कारण दबा करके या जैसे कारण से उसने जो जीवन लीला समाप्त हो वह IPC में 306-306 यानी प्रॉपर कई धाराएं हैं जो उसके तहत में प्राथमिकी दर्ज करने का बिल्कुल पुलिस का अधिकार है। ऐसा लगता है कि हमारे वीडियो से आप समझ गए होंगे। बस एक हमेशा पुलिस का आप उसको सहयोग करें, पुलिस का अराइवल हो, कभी भी इस परिस्थिति में आप घटनास्थल से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और आप वहां से नहीं जाएंगे। प्रॉपर जो भी कार्रवाई हो आप सहयोग करें।